Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. Zid se jeet tak. Hi, everyone. बच्चे, गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम के अंदर ना आपको बाहर बड़े सुंदर सुंदर से राइप्ड फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, राइट, मैंगोज़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आपको ऐसे सड़क के आजू बाजू बिकते हुए दिख जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो आम हम इन दिनों खाते हैं तो दे आर आर्टिफिशली राइप्ड, राइट। आपको ना कभी कभी वाइट वाइट सा पाउडर दिखाई देता है उन आम के ऊपर, आप उसको धोते हो और उसके बाद में आप उसे खा लेते हो। सो दैट केमिकल, इट इज़ कॉल्ड द कैल्शियम कार्बाइड केमिकल, और इसको रिसेंटली आपके FSSAI ने एक पब्लिश किया है गाइडेंस डॉक्यूमेंट, और इसको बेसिकली काइंड ऑफ जो है बैन कर दिया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर को। एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथिलीन गैस, अ सेफ फ्रूट राइपनर, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने जो FSSAI ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, जो ये डॉक्यूमेंट निकाला है, इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि आप अल्टरनेटिवली और क्या यूज़ कर सकते हो। जितनी फ्रूट्स की डिमांड है और जिस हिसाब से प्रोडक्शन होती है, ऑर्गेनिकली राइप्ड फ्रूट्स का सब तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, यू नीड आर्टिफिशियल राइपनर्स। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए आप। अगर आप में से किसी के खुद के खेत वगैरह हैं तो आपको खुद तो समझ में आता होगा कि आप घर के लिए अलग उगाते हो, बाहर के लिए अलग उगाते हो, राइट, कमर्शियल एंगल अलग है। और अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जिनके पास में खेत वगैरह नहीं है, आप इस बात को समझिए कि आर्टिफिशियली राइप करे बगैर आप तक फ्रूट्स नहीं पहुँचाए जा सकते। सो वी नीड अ सेफ ऑल्टरनेटिव। तो ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये इसी के लिए आया था कि आपके पास में सेफ ऑल्टरनेटिव क्या है। तो UPSC इसी टाइप से सवाल पूछेगा आपसे कि बैन क्या हुआ है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, और इसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने क्या बताया, दैट इज योर इथिलीन गैस। तो ये आप ना याद रखिएगा कि इन्होंने किस चीज़ को सजेस्ट किया है, इथिलीन गैस को सजेस्ट किया है। इथिलीन गैस को किस लिए सजेस्ट किया है, बिकॉज इनके जो राइपनिंग के लिए जो इनके एजेंट्स फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, वो इथिलीन ही है, राइट। तो इसलिए आप इथिलीन गैस का अगर आप यूज़ करते हो वो नेचुरल राइपनर की तरह ही काम करता है वो आर्टिफिशियल ही, राइट, बट सेफ है। कैल्शियम कार्बाइड जब आप यूज़ करते हो तो उसके ना कुछ सिम्टम्स हैं, आपने भी शायद कभी नोटिस किए, वैसे अगर आपने नोटिस किए हों ध्यान से, इरिटेशन इन थ्रोट, राइट, ड्राई माउथ, और मतलब जो फ्रूट खा के आपको तृप्ति मिलती थी वो नहीं मिल रही है बिकॉज वो आर्टिफिशियली राइप्ड है, प्लस आपने केमिकल इंजेस्ट कर लिए जो कि आपके गले में जाके, आप थ्रोट के अंदर जाके वो जो है आपके इरिटेशन पैदा कर रहा है, ड्राइनेस पैदा कर रहा है, राइट, कफ वगैरह पैदा कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें कर रहा है, एसोसिएटेड चीज़ें, राइट। आइए बच्चे आगे देखते हैं। बाय द वे, दिस इज़ ये ऑनलाइन ही कहीं से इमेज उठाई थी। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड से जो है आप जब राइप करते हो तो आपको इसी टाइप के ब्लिस्टर्स एंड ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तभी उनको फटाफट जो है वो निकालना पड़ता है कि बिक जाए फटाफट ये, राइट। आइए देखते हैं। FSSAI also advising food safety departments of states and UTs to remain vigilant to take serious action and deal stringently against person indulging in unlawful practices as per the provision of FSSAI Act, which is and rules and regulation made there under, right? आगे देखते हैं बच्चे। Regulation क्या बोलता है? सबसे पहले तो बैन लगा दिया इसके ऊपर, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, है ना। बैन के बाद में क्या है, ड्यू टू दीज डेंजर्स द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फॉर राइपनिंग। कौन से दीज डेंजर्स, मैंने आपको अभी बता दिया है कि इसके साथ में आपके हेल्थ हैजार्ड जो हैं वो एसोसिएटेड है, जिसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेज उसके अंदर जो है वो मेन कारण है इस पर्टिकुलर चीज़ का। इसके अलावा आपके अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है आपकी ईसोफेगस के अंदर, इसके अलावा जो आपका स्टमक है वो अपसेट होता है, राइट, आपको आप डायरिया की तरफ चला जाते हो बिकॉज बॉडी के लिए अनयूजुअल सब्सटेंस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया है। बॉडी के पास में एक मैकेनिज्म हमेशा तैयार रहता है कि सब कुछ जो है हम इजेक्ट कर देते हैं, राइट। सो देन आपको वॉमिटिंग, लूज मोशंस और इस टाइप की चीज़ें भी आती हैं। इट इज़ द वे ऑफ योर बॉडी टू एलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल, है ना, कि आप चले जाइए। तो इसके साथ अलग एसोसिएटेड हेल्थ हैजार्ड्स हैं कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, डिहाइड्रेट होते हो तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, आपके ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं करते हैं, आप ओवरऑल बीमार हो जाते हो, राइट, और एन नंबर ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड। स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ किया गया ताकि आपके आर्टिफिशियली जो है हम फ्रूट्स को राइप कर दें, फ्रूट्स को पका लें, राइट। आइए बच्चे, कंसिडरिंग द इशू ऑफ रैम्पेंट यूज ऑफ बैंड कैल्शियम कार्बाइड, FSSAI हैज परमिटेड द यूज ऑफ इथिलीन गैस
एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव, राइट। तो ये आपका जो है सीधा सीधा जो आपका है बच्चे, ये प्री का सवाल बन जाएगा। कंसंट्रेशन कितनी एथिलीन गैस की जो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू 100 पार्ट्स पर मिलियन, राइट, और माइक्रोलीटर पर लीटर के हिसाब से, राइट, दैट इज 100 पार्ट्स पर मिलियन डिपेंडिंग ऑन द क्रॉबरिटी, मतलब दिस इज द लिमिट, राइट। तो ये भी लिमिट आपसे जो है वो पूछी जा सकती है यूपीएससी के, 100 पार्ट्स की जगह वो इसको मे बी 10,000 पार्ट्स कर देगा, 1,000 पार्ट्स कर देगा, राइट। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस केस कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या है, राइट। आगे देखते हैं अबाउट सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली लागू होंगी। इट वॉज सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन 1970 टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैनुफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बेसिकली एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड द इंसेक्टिसाइड्स, राइट। इंसेक्टिसाइड्स किससे रेगुलेट होते हैं, रेगुलेटेड अंडर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 एंड इंसेक्टिसाइड्स रूल्स ऑफ 1971, राइट। ये पर्टिकुलर चीज भी अगेन आपके बच्चे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पर्टिकुलर चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंडेट क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू इंसेक्टिसाइड्स। ये आपके शायद स्क्रीन में कट रहा होगा बच्चे, रिलेटेड टू इंसेक्टिसाइड्स लिखा हुआ है नीचे, राइट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एज अ केमिकल देख लेते हैं, बस ये लास्ट चीज़ है फिर हम आज की वीडियो एंड करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइम एंड कार्बन मिक्सचर टू 2000 टू 2100 डिग्री सेल्सियस इन एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। सबसे पहले तो इस तरीके से बनाया जाता है, कॉमनली यूज्ड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स लाइक मैंगोज, मैंगोज में ही प्राइमरीली यूज होता है, इसलिए फोटो भी आपने मैंगो की देखी और यहाँ पे लिखा भी मैंगो हुआ है। इट रिलीजेज एसिटिलीन गैस विच कंटेन्स हार्मफुल ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, दिस हार्मफुल सब्सटेंसेज ऑल्सो नोन एज मसाला। ये वैसे तो इंडिया में किसी भी चीज़ को मसाला बोल दिया जाता है ना, जो भी मिक्सचर उसको मसाला बोल दिया। कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज सच एज डिजीनेस, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, इरिटेशन, वीकनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, स्किन अल्सर्स एटसेट्रा, राइट। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, राइट। एसिटिलीन गैस इज ऑल्सो इक्वली हैजार्डियस टू दोज हैंडलिंग इट, देर आर चांसेज दैट कैल्शियम कार्बाइड मे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फ्रूट्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड लीव रेजिड्यूज ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस ऑन दी फ्रूट्स। और ये तो हमने, आपने और मैंने नोटिस किया ही है, इसके ऊपर आपको जो है वाइट वाइट पाउडर टाइप चीज दिखती है। नाउ दिस इज द अदर केमिकल्स दैट इज यूज फॉर दैट, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, इसके ऊपर किसी पे भी जो है आपको सवाल देखने को मिल सकता है, राइट। एंड एज ऑफ नाउ दैट इज ऑल इन द वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7 मिनट टू द पॉइंट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.